स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हैप्पी दिवाली सभी को। आज है छोटी दिवाली और कल है बड़ी दीपावली दिवाली। और मुझे हो रखा है जुखाम बहुत तगड़ा वाला है। काम साफ सफाई के, और मम्मी खाने का इंतजाम कर रही हैं। ये बैठी गाइस, चाय नाश्ता हो गया हम लोगों का। 9:30 बज गया है, चाय हम लोगों ने पी ली है। और अनिका की हो गई है छुट्टियां, वो भी आज खेल रही है, काफी मस्ती में है, खुश है क्योंकि उनको स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है और छुट्टी हो गई है इसलिए। तो गाइस, जो चैनल पे न्यू आते हो ना, मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे लगता है ना, लोग डायरेक्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वजह से अन हो रहा है, तो प्लीज वीडियो पे जाके फिर सब्सक्राइब करो चैनल को बेल आइकन के साथ में, कि सबसे पहले मेरी वीडियो को देखने को मिलेगी आपको। और मुझे यही लग रहा है ना, सबसे ऐसे ही डायरेक्ट सब्सक्राइब करने से वो बाद में हट जा रहा है। बहुत ही सब्सक्राइबर बढ़ता है लेकिन वो 10-15 है डेली, मेरा अन हो जा रहा है। तो प्लीज ऐसा ना करो, वीडियो पे जाके वीडियो को थोड़ी वॉच करके फिर सब्सक्राइब किया करो भी बेल आइकन के साथ में, कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, मुझे बात करनी थी आप लोगों से, बहुत ही जरूरी है। प्लीज एंड तक देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बात नहीं करूंगी, जवाब नहीं दूंगी ना तो उनके दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ जाते हैं। तो एक मेल है एक फीमेल है, जिन्होंने मेरे नाक में ना ऐसे दम करके रखी है। मैं सोच रही हूँ बहुत दिन से उनको जवाब देने की, पर मैं सोचती छोड़ो रहने दो, लेकिन हर वीडियो पे वो आके वही कमेंट करती है। आके हर एक वीडियो पे, मतलब मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। मैं रोती हूँ तो वो भी साथ में रोते हैं, मैं हंसती हूँ तो वो भी साथ में मेरी खुशी में खुश होते हैं, मेरे दुख में दुखी होते हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। लेकिन उनमें से दो चार लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा है। उनके मतलब ये सब कमेंट करने से ना उनके संस्कार झलकते हैं कि वो कैसे हैं, किस खानदान परिवार से हैं। क्योंकि जब वो किसी और औरत की इज्जत नहीं करते हैं तो अपने घर की औरतों की क्या इज्जत करते होंगे। और जो ये लेडीज है ना, उसकी मैं क्या बोलूँ, उसने तो लेडीज पे ना ऐसे ठप्पा सा लगा दिया है। उसने मुझे बोला भाई की एंगेजमेंट पे मैं जो रेडी हुई, तो उसने बोला विधवा है और इतना रेडी होके आई है, इसको शर्म नहीं है, विधवा ऐसे रेडी नहीं होती हैं। तो मैं विधवा हूँ, मैं रेडी हुई तो आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? आप सुहागन हो, बहुत अच्छी बात है। हम विधवाएं कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, क्योंकि इससे बड़ा दुख जिंदगी में कोई दुख नहीं है। सारे दुख अलग हैं और ये दुख अलग है। तो यार जियो और जीने दो। और वो बोलता है ना, जो लड़का है वो बोलता है व्यूज के लिए करती हूँ। कौन नहीं व्यूज के लिए करता है? तो क्या व्यूज के लिए अपने हस्बैंड को कोई मार देता है क्या? ये नहीं करता है ना कोई, अपने हस्बैंड को नहीं मार देगा, या हस्बैंड को कोई नहीं चाहेगा कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे व्यूज मिलने लग जाए। सभी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत करती हूँ, मेरे घर में एंगेजमेंट हो रही है तो क्या व्यूज के लिए हो रही है? हद है। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा है, जैसे मैं हूँ, निधि दी है, सुहाना दी है, नीलू दी है, बहुत सी ऐसे लोग हैं जो जिनके हस्बैंड नहीं है तो क्या वो जी नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते अपनी लाइफ में? क्यों नहीं जीने दे रही हो? तुमने क्या कुंडली अपनी अपनी जीवन की कुंडली देख रखी है क्या, कि मेरे पे कभी दुख नहीं पड़ेगा? तो दूसरे को ऐसे आके बस टैपिंग कर दिया, और किसी को कितना बुरा लगता है ये तुमको नहीं पता है, नहीं पता होगा क्योंकि तुमने वो दर्द नहीं झेला है, तुमने किसी अपने को खोया नहीं है। मैं रेडी थी, मेरे भाई की इंगेजमेंट थी, मैं उसमें कोई भी अपना मैं रो की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे भाई की जिंदगी की शुरुआत नई शुरुआत हो रही थी। मैं उसमें रोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं खुश थी, क्योंकि मैं रोती तो मेरी फैमिली पहले रोने लग जाती, फिर कुछ नहीं हो सकता था। जितने अच्छे से सब कुछ हुआ है ना, वो कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता था मेरे सैड होने से।
नहीं समझ सकते हो, मैं अपने अंदर सब कुछ समेट के मैं खुश हुई, मैं रेडी हुई जो भी किया मैंने, कि मेरी फैमिली को या मेरे भाई का कुछ मतलब मूड ना खराब हो। और आप हैं कि उंगलियां उठा रही हैं, विधवा विधवा, ये विधवा क्या होता है? इसमें मेरी गलती है, मैं जी नहीं सकती अब, खुश भी नहीं रह सकती। रो तो व्यूज के लिए रो रही हो, हंसो तो व्यूज के लिए रो रही हो, आखिर करूं तो करूं क्या? मुझे ना इस समाज और ये इन लोगों की अब कोई फिक्र नहीं रह गई है। मुझे डर नहीं लगता तुम लोगों से, जो तुम ऐसे बोल के सोचती हो मैं बोलूंगी डर जाएगी ये वो, मैं डरती नहीं हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूं, मुझे जवाब देना आता है, समझे? दोबारा से मुझे ऐसे कभी कमेंट मत करना, पास होती ना तो मैं तुमको बहुत अच्छे से बताती। और तुम्हारे घर में ना बहने नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसा बोल के जाते हो, इतने गंदे इंसान हो, इतने घटिया इंसान हो, कि तुम्हारी इस कमेंट से मुझे पता लग जाता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, समझे? आइंदा से मुझे ऐसे कमेंट करने की जरूरत नहीं। और मुझे मतलब ये चीज है ना कि तुम मेरे वीडियोस डेली देखते हो, डेली देखते हो, किस वजह से देखते हो मुझे नहीं पता, कमेंट करके निकल जाते हो ना इतने, या देखते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी कम से कम मेरी वीडियोस पे आते तो हो। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। मेरे हस्बैंड गए, इसमें मेरी गलती है। मैं अपना दुख भूल के, और आप लोगों को मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ, अपनी सारी समस्याएं भूल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, खुश रहती हूँ, कि फिर भी मतलब मैं ही गलत हूँ। 24 घंटे नहीं देखने आते हो मेरी कंडीशन कैसी रहती है, क्या है क्या नहीं? ऐसे बस कमेंट करके निकल जाना है कि यार ये तो इतनी खुश है, इसका हस्बैंड नहीं है, बस यही दिखता है ना आप लोगों को कि मेरा हस्बैंड नहीं। मैं बिल्कुल भी आज रोऊंगी नहीं, क्योंकि जो मैं रोई तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी आज नहीं रोऊंगी, मैं रोने के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ आपको जवाब देने के लिए आई हूँ। मुझ पे कितना दुख है मेरे हस्बैंड के जाने का, या बोलते हो ना तुमको प्यार नहीं है अपने बाबू से, तो ये चीज मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे प्यार है कि नहीं है, तुम होती कौन हो तुमको बताऊं मैं? मुझे क्या है वो मुझे पता है, क्या मैं उनके लिए फील करती हूँ क्या नहीं, वो तुम्हें तुम्हें बताने की, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम कितना अपने हस्बैंड को प्यार करती हो ये चीज मुझे पता चल गई, भगवान ना करे कभी तुम पे ये दुख आए, जो कभी ये दुख पड़ेगा ना तुम पे, तब तुमको तुम्हारी अकल खुद ही खुद ठिकाने आ जाएगी। जब इतना परेशान कर लेते हो ना तभी ये सब बातें निकलती हैं मुंह से, क्योंकि इंसान पहले से वो इतना दुखी है, फिर आके तुम उसके पिन कर रही हो बराबर। मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? अरे जियो, जीने दो, जीने दो ना मुझे, जैसे भी मैं जी रही हूँ, जैसे भी मेरी लाइफ है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या आपको तो मुझे बोलना चाहिए कि हाँ कम से कम सारे अपने दुख भूल के वो ब्लॉग बनाती है और करती है, सब दिखाती है जो भी कर पा रही है इतने दुख पड़ने के बाद में भी, तो मोटिवेट करने के बजाय में डिमोटिवेट करने आ जाते हो। कितने अच्छे इंसान हो ये तुम, मुझे बहुत अच्छे से पता है, समझे? और मुझे पता है मुझे भी बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन उनमें से तुम लोग पता नहीं कहाँ से आ गए हो, सिर्फ कमेंट करने आते हो ना कि यार ये कैसे कर रही हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, क्या जानू हस्बैंड के जाने का दुख, नहीं जान सकती हो तुम तो। बस मैं यही कहना चाह रही हूं कि दोबारा से मुझे ऐसे कमेंट मत करना, ये तुम सोच लेना, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मुझमें मैं ऐसी बैठी थी, मैंने सोचा मैं आज ऐसे ही बैठ के ब्लॉग ये वीडियो शूट कर दूंगी, जैसी बैठी थी मैं वैसे ही वीडियो शूट कर रही हूँ। यार सिंगल मदर हूँ, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां है ना, भूखी बैठी रहूंगी तो कोई नहीं आएगा, ये समाज, ये रिश्तेदार या कोई भी नहीं आता, समझे?
तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं होगा, कोई देने नहीं आता, तो अब नहीं पूछते हो कि तुमने खाया है कि नहीं खाया है, कैसे रह रही हो हस्बैंड के जाने के बाद, कुछ कैसे खर्चा चला रही हो, ये कोई नहीं पूछने आता है। तुम जरा सा हंस दो तो ये सबको बड़ी परेशानी हो जाती कि यार हस्बैंड नहीं है, कैसे क्या कर रही है, हद है। मतलब मैं अपना काम कर रही हूं, मेहनत कर रही हूं, समझे, ये मेरा काम है, तो उसमें मैं तैयार भी होंगी और हर चीज करूंगी। समझ में आई बात? जिसको जो कमेंट करना है करने दो, और मुझे ऐसे कमेंट अब मत करना, तुम दोनों से कह रही हूं मैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल गया मैं किसको कह रही हूं, समझ गई। मैं इस वीडियो को अब एंड करती हूँ, बाय।